हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 12th ज्योग्राफी के 30 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड में लगातार कई वर्षों से जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको देखने से काफी आपको अनुभव होगा कि आपके एग्जाम में जो है किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ से आपको लगभग लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना चाहिए और यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक ग्रुप से आपको नहीं जोड़े हैं तो आप इस नंबर पे एक बार हाय हेलो लिख करके भेजेंगे, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों, इसको टेस्ट के रूप में लगाना है और ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि जितना भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा वो आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में उसका नाम ले सकूं, ठीक है। तो बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग के स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं कॉफी उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन है? कर्नाटका है, बिहार है, उड़ीसा, पंजाब। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, देखिए कॉफी उत्पादक में जो है कौन सा राज्य यानी प्रथम स्थान पे है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कर्नाटक जो है हम लोग जानते हैं कॉफी उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग 12th क्लास में ही पढ़ते हैं कि यानी जो यानी क्या यानी ब्राजील में कॉफी बगान को क्या नाम से जाना जाता है, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ कुछ चीजें आपको जो है ना याद रखने की जरूरत है जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन वो आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहता है बच्चों, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है ना। तो चीन देश जो है, देश से जो है कौन सा राज्य जो है उसमें जो है मतलब उससे मेल खाता है, ठीक है। तो बताना आपको क्या असम है ना, असम है, या आपका यानी गुजरात है, या नागालैंड, या आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो बताइए बॉर्डर कौन शेयर करता है, कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करता है चीन के सीमा से। तो बच्चों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का जो है ना बिल्कुल ये जो है सीमा जो है शेयर करता है। और बता आपको यही जो आपको यानी कर्क रेखा मतलब सॉरी आपको बताना है कौन सा यानी भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, ये आपको बताना है ना। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये तो पता होगा है ना। लेकिन मैकमोहन रेखा आपको याद रखना, मैकमोहन रेखा होगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है जो कौन सा राज्य में, या अरुणाचल प्रदेश में। इससे आपको इस तरह का जो है क्वेश्चन जो है आते हैं, है ना, तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्षेत्र विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, मात्रात्मक क्रांति है, अन्वेषण या वर्णन है। तो बच्चों देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको डेफिनेटली बताना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है बच्चों। तो अगर मानव भूगोल का उपागम की अगर बात किया जाए तो वो जो है क्षेत्र विभिन्नता है, इसके अंतर्गत स्थानिक संगठन भी है, लेकिन मात्रात्मक संगठन ये जो नहीं होगा बच्चों। और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं, देखिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 2001 में हुआ था, 1911, 1921 या 1931 में। तो बच्चों हम लोग जानते हैं भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी 1911 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1911 को, ये बिल्कुल याद रखना है। और बताइए कहां से कहां तक ये सेवाएं चली थी, तो याद रखना बिल्कुल आपको, भारत और पाकिस्तान मतलब दिल्ली से लाहौर तक ये चला था, है ना। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में सबसे पहला हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, है ना। भारत में सबसे पहले जो रेल यानी कब चली थी, 1753 को, 1851, 1853 को, 1857 को। बच्चों हम लोग जानते हैं भारत में जो रेल की शुरुआत जो हुई थी यानी 1853 को हुआ था शुरुआत, ये चीजें आप जो है ना बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। और इसका आंसर आप लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। और पता है कितने किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक चला था। पता और कहां से कहां तक, मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चला था, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक चला था। ये चीजें जो है आपको याद रखनी है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग जो बच्चे नए आ रहे हैं, आप लोग अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका डेली के लाइव क्लासेस जो आप लोग की होती है 7:30 बजे, ठीक है। तो ये क्लास में आप लोग रेगुलर जुड़िए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेय फसल है बच्चों, चाय कॉफी, है ना, दोनों। तो देखिए पेय फसल हम लोग कौन सा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है हम लोग पीते हैं चाय जो हम लोग पीते हैं, और ये पेय फसल है, बिल्कुल पेय है ना। कॉफी क्या हम लोग खाते हैं, पीते हैं, ये पीते हैं कॉफी भी जो हम लोग पीते हैं, तो ये भी जो आपका यानी पेय फसल है। तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि आपका दोनों आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल का ये आपका जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय। बताइए पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय की बात करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके स्क्रीन पे बच्चों, जल्दी बताइएगा आप, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाजीपुर जो है ना, बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जाता है, कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो विजयनगर लोह इस्पात केंद्र अवस्थित है।
तो बताइएगा विजयनगर लोह इस्पात केंद्र अवस्थित बच्चों ये कहाँ पे स्थित है, इनके बारे में बताना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आपका आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका दूसरा तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विजयनगर लोह इस्पात केंद्र अवस्थित की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये कर्नाटक हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, मध्य प्रदेश में स्थित है या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे छत्तीसगढ़ में स्थित है, झारखंड या उड़ीसा में। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो ये झारखंड होगा और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, झारखंड जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलो जितने सारे बच्चे आप लोग झारखंड दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग जानते हैं झारखंड जो है झाड़िया कोयला के लिए जो है काफी फेमस है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों क्या कहलाता है, झाड़िया कोयला क्षेत्र एंड किस राज्य में स्थित है बच्चों, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। तो देखिए झाड़िया कोयला मैंने जस्ट अभी आपको बताया झाड़िया कोयला के बारे में, तो बच्चों याद रखना आपको यानी झारखंड में और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, जो 30 एमसीक्यू लेकर क्या है इसको बिल्कुल आपको टेस्ट के रूप में लगाना, चलिए लिए आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोचीज पतन अवस्थित है बच्चों कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो बताइए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, ये आपको बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाना है। तो बताइएगा देखिए हम लोग जानते हैं कोचीज पतन जो अवस्थित है बच्चों ये आपका कहाँ पे स्थित है, यानी केरल में स्थित है और इसका आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा जी, केरल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, हल्दिया पोतसराय की बात हो रही है तो हल्दिया पोतसराय आपको बताना है क्या उड़ीसा में, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए तो देखिए हम लोग बात करते हैं हल्दिया पोतसराय की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये वेस्ट बंगाल आपको याद रखना कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल यानी बिल्कुल याद रखेंगे है ना। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बच्चों, इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए बताइए है ना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं चाय के उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो है बच्चों कौन है, चीन है। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, कभी भारत आ जाता कभी चीन आ जाता तो चीन जो है बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चीन में सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादन होता है तो असम में बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो बताइए खनिज तेल के बारे में बताना है, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा, अमेरिका, रूस, सऊदी अरबिया या आपका भारत। तो बताइएगा बच्चों इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों चलिए तो देखिए अगर हम बात करते हैं खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है बच्चों कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं सऊदी अरबिया, जैसे हम लोग यहाँ पानी इतने आसानी से मिल जाती है इतने सस्ते में मिलता है उसी तरह सऊदी अरबिया में जो है तेल जो है ना यानी पेट्रोल कोई भी डीजल वगैरह जो भी जो है आसानी से इतना मिल जाता है जितना हम लोग यहाँ पानी अवेलेबल है, लेकिन हाँ वहाँ पानी भी महंगा है। ठीक है तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे बच्चों क्या कहलाता है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है, तो देखिए खट्टे रसदार फसलों की कृषि जो है किसमें, बाजरी बाजारी सब्जी कृषि में की जाती है, बिल्कुल नहीं, ये भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है, इसमें जो है खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है जिसमें अंगूर की खेती होगा इसमें। ठीक है ये बिल्कुल याद रखिएगा है ना, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन लोह ऐश की किस्म नहीं है, मैग्नेटाइट, हेमेनेटाइट या आपका देखिएगा लिग्नेटाइट, हाँ लिग्नाइट या आपका यानी साइडेराइट। तो मैंने आपसे यहाँ क्या पूछा, सवाल जो पूछा गया लोह ऐश की किस्में नहीं है, तो बच्चों इसमें से आपको लोह ऐश की किस्में जो है हेमेटाइट जो है आपका लोहे इसमें लोहे का ऐश का है ना, मैग्नेटाइट का भी है, लेकिन लेकिन आपको लिग्नाइट की बात अगर किया जाए तो बच्चों ये कोयला का प्रकार है ना। हम लोग जानते हैं कोयला कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, चार प्रकार के कोयला होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के जो आपका कोयला होता है ना, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट एंड पिट, उसमें से उत्तम किस्म का कोयला आपका एंथ्रासाइट है, लेकिन लिग्नाइट जो आपका ये भी जो है कोयला है, इसलिए जो आपका नहीं होगा। निम्न में से रोपण कौन जो है रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल की बात हो रबर, चाय, गन्ना, गेहूं, तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, रोपण फसल, तो रोपण फसल में कौन कौन सा आपका फसल आएगा इसमें, जैसे कि रोपण फसल में आपका रबर आ जाएगा है ना, नोट कर लीजिएगा, रबर आ जाएगा, चाय है ना, गन्ना, उसके बाद कॉफी है ना, कॉफी, केला, उसके बाद आपका है ना, तो ये सारा चीज जो आपका किसमें आएगा बच्चों, ये सारा आपका रोपण फसल के अंतर्गत आएगा, लेकिन गेहूं जो आपका ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। आप लोग बताइए क्या चावल रोपण फसल है, कमेंट करके आप लोग बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिको में हस्तांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है, मैक्सिको में जो है हस्तांतरित कृषि की प्रथा को जो है क्या कहा जाता है बच्चों, रोका कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, मिलिया इसको जो है कहा जाता है, कहां पे, मैक्सिको में जो है हस्तांतरित कृषि को जो है क्या कहा जाता है, मिलिया कहा जाता है बच्चों, और इनका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, एकदम जबरदस्त नेक्स्ट लेवल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है,
रसायन उद्योग बिल्कुल नहीं है ना, ये कपड़ा उद्योग नहीं, लौह इस्पात उद्योग जो है ना क्या करता है, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए जो है आधार प्रदान करता है, और इसका आंसर बच्चों आप लोग का सी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। बच्चों देखिए दूसरा उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता जो कौन है, वो आधारभूत उद्योग है बच्चों, और इसका आंसर आपका आधारभूत उद्योग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा, बहस्रोतीकरण जो सहायक है बच्चों उनके बारे में बताइएगा है ना, दक्षता सुधारने में ये बिल्कुल याद रखिएगा, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में एंड कीमतों को घटाने में, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए बिल्कुल आप लोगों को याद रखनी है ये सारे चीजें जो आपके लिए काफी अति महत्वपूर्ण है ना, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है चलिए, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से आंसर देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है बच्चों, इनके बारे में बताइए, जामनगर हो जाएगा, मथुरा, ब्रौनी एंड हल्दिया, तो बताइए इसके बारे में आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है बच्चों कहाँ पे स्थित है, इनके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो होगा आपका यानी जामनगर हो जाएगा बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे है ना, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों, है ना लोहरदगा के लिए आपको बताना है कि किन के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और पता है बॉक्साइट आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे है ना, बॉक्साइट जो किसका एस्क है बच्चों, ये एल्यूमिनियम का एस्क है ना, एल्यूमिनियम का जो है ये एस्क है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में जो है किससे जो है व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो बच्चे देखिए व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह जो होता है वो क्या एशिया के माध्यम से होता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका, तो देखिए हम लोग जानते हैं जो व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह जो होता है बच्चों यूरोप के लिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जबरदस्त एकदम नेक्स्ट लेवल आप लोगों का आंसर। ठीक है चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, एशियन जो है बच्चों ये कहाँ पे स्थित है, जापान में, रूस में, जर्मनी, भारत, तो देखिए हम अगर एशियन की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये आपका जर्मनी में हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है, तो पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर जो है किस प्रकार की प्रधानता रहती है, देखिए पर्वतों और पठारों पर जो है ना ये जो खेती मतलब जो की जाती है, तो वहां जो है सबसे ज्यादा व्यापार के लिए जो है ना व्यापारी करते हैं सब में। ठीक है तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, और सिरुनुमा अक्सर घर पाइएगा आप लोग किसमें, पठार और पहाड़ में। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, इनके बारे में बताइए है ना। चलिए देखिए विश्व व्यापार WTO जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1995 को हुआ था, और पता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये कहाँ पे होगा इसका, न्यूयॉर्क में, बिल्कुल नहीं वियना, वाशिंगटन नहीं, जेनेवा, इसका आंसर बच्चों आप लोग का आंसर डी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे है ना। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका जो एक सदस्य है, तो देखिए भारत जो है इनमें से किसका एक सदस्य है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं साफ्टा या आसियान का या आपका OECD का या आपका OPEC का, तो देखिए हम लोग जानते हैं साफ्टा, इसका स्थापना 2004 में हुआ था, ये बिल्कुल याद है, और इसका जो है सदस्य अपना भारत, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों ये जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जबरदस्त, चलिए 29 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 जो देख पा रहे हैं, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो बच्चे बताइएगा आप लोग तेजी से, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लकित या उपयुक्त में से सभी, जल्दी बताएंगे। देखिए इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं देखिए गुच्छित जो है आपका ये ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, अर्धगुच्छित भी है एंड पल्लकित भी है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है इतने अच्छे से आप लोग आंसर दिए हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है ना, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, देखिए तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा है ना, ये मैंने 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए जो लेकर आया था, जो MCQ 30 MCQ जो बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारा चीजें जो है ना आप लोग को बच्चों याद करने की जरूरत है, इन सभी चीजों को नोट करते चलिएगा। देखिए पल्ली आपका प्रकीर्ण या गुच्छित या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता, मैंने 2 से 3 सेकंड का एक क्वेश्चन में जो समय दिया था, और इसका आंसर आपका प्रकीर्ण यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग ने 30 क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है सॉल्व किया, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए, कोई भी बच्चे झूठ नहीं बोलिएगा, इन 30 में से कितने क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व कर पाए या आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइए। वाओ, और देखिए आप लोग इसी तरह का रेगुलर क्लास करना चाहते हैं और बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चों सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए इस नंबर पर आप लोग एक बार हाँ हेलो लिख करके सेंड कीजिए, आपको ग्रुप में एड कर दिया जाएगा, एंड साथ में आप लोग जो है ना बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप लोगों को पता है क्लास
टास्क का जो आप लोग का है नहीं, हर एक चीजों को जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपको है नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो आपको बच्चों दी जा रही है, इस तरह का सुविधा आपको दिया जा रहा है ना। तो ये आपको टेस्ट के रूप में आप लोग जरूर लगाइए, अगर आप लोग जरूर लगा सकते हैं दोबारा फिर से लगाइए। अगर आप अगर छोड़ दिए थे उस टाइम, तो अभी फिर से आप दोबारा इसको जो है 30 क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए लेकर गया इसको टेस्ट लगाइए, और ये 30 क्वेश्चन में आप खुद से कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाए ये बच्चों आप हमें जरूर बताइए। तो उम्मीद रहेगा कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके दम करके अपने दोस्तों को शेयर कर। जब तक के लिए जय हिंद।